आज मुख्तार अंसारी माननीय विधायक का केस लगा हुआ था, पुलिस को रिमांड लेना था विवेचना के लिए, लेकिन आपके विवेचना अधिकारी आए नहीं। केस डायरी के पर्चे आए थे जिस पर आपके CDM महोदय ने रिमांड दिया और 5 जुलाई की तारीख लगाई। किस प्रकार प्रोसीडिंग हुई, क्या वर्चुअल या क्या हुआ? ये कि आपके CDM साहब ने विधायक मुख्तार अंसारी साहब से पूछा कि आपको कोई कष्ट तो नहीं है। उसके ऊपर माननीय विधायक ने ये कहा कि पूरे प्रदेश में बंद कैदियों को TV की सुविधाएं हैं, लेकिन मुझे तन्हाई में रखकर आपके टेलीविजन की सुविधा नहीं दी गई है। अगर श्रीमान जी कोई आदेश कर देंगे तो बेहतर होगा, जिससे हमको टेलीविजन। दूसरा, माननीय विधायक जी ने यह कहा कि मेडिकल बोर्ड द्वारा मुझे फिजियोथेरेपी पर डे कराने का के लिए सलाह दी गई थी। इस सलाह को बांदा जेल प्रशासन नहीं मान रहा है, बांदा का जिला प्रशासन नहीं मान रहा है, इसलिए फिर उन्होंने अपनी बात CDM साहब से कहते हुए कहा कि मुझे अपने अधिवक्ता से बात करने का मौका दिया जाए, जिस पर CDM साहब ने बात करने का अधिवक्ता से मौका दिया। तो उन्होंने, उनके कुछ सवाल थे जिनका जवाब दे दिया गया, और ये भी कहा गया कि राजनीतिक कारणों की वजह से नो एविडेंस केस में आप निरुद्ध हैं और सत्ता बदलेगी तो आपके राजनीतिक विरोधी जिस बैरिक में आप हैं उस बैरिक में वो नजर आएंगे, और ये राजनीति का खेल चलता रहता है। ये सब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई बांदा जेल से, इसमें मुख्तार अंसारी उपस्थित हुए। अगली पेशी 5 जुलाई। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।